ओके, सो अभी विजिबल है ना? सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? ठीक, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बार यस लिख दें। सो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग जब सॉल्व करते हैं तो कई कंडीशंस आती हैं ऐसी जिसमें हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो एग्जांपल है आपका, ठीक, इसमें आप देख आप इसको एक बार सॉल्व करिए, इसका आप आंसर निकालिए थोड़ा। इसका आंसर निकालिए थोड़ा। तो किसी का आंसर आया क्या? एक बार आप लोग बता दीजिए, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं सॉल्व करूं। लिख दीजिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैं वेट करूं आपका। ऑडिबल हूं ना मैं? एक बार आप, ठीक है ठीक है, आप सॉल्व करिए। ओके, सो मैं सॉल्व करता हूँ इसे अब, ठीक। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो हमारा जेड दिया गया है, ठीक है, जेड दिया है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक। हमें इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और हमारा कंस्ट्रेंट्स क्या है, 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 300 और दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास 4x1 प्लस 2x2, 4x1 प्लस 2x2
इज लेस देन इक्वल टू 500। ठीक, और एक्स वन एंड एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सो आप जी, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जिन्होंने 250 निकाला उनका आंसर सही है, बट इसमें एक चीज, एक स्पेशल केस है, क्यों मैं बताता हूँ। आप ये देखिए, जो एक्स जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, ठीक है, अब रुकिए मैं बताता हूँ, 250 तीन बार क्यों आ रहा है। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका एक्स वन का कोएफिशिएंट है 2, ठीक, और एक्स टू का कोएफिशिएंट है 1, इतना ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। ठीक, इतना समझ में आया ना। हाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वन का कोएफिशिएंट 2 है और एक्स टू का कोएफिशिएंट 1 है। अब अगर आप इधर जाइए और देखिए कि कंस्ट्रेंट्स में, कंस्ट्रेंट है हमारा, उसमें एक्स वन और एक्स टू का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वन और एक्स टू का कोएफिशिएंट है 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, 2। ठीक, ये हमारा कंस्ट्रेंट 1 है, सी वन जिसे कहते हैं, C1, और ये हमारा C2 है, तो ये हमारे कंस्टेंट्स के कोएफिशिएंट है। ठीक, तो अब अगर हम नोटिस करें, ठीक है, अभी रुक जाइए, आप आंसर मत निकालिए, पहले समझ लीजिए। तो अभी अभी देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो एक्स वन का कंस्टेंट, एक्स वन का कोएफिशिएंट 2 है और एक्स टू का कोएफिशिएंट 1 है, और कंस्टेंट्स में एक्स वन पहले कंस्टेंट का 3 और 1 है और दूसरे कंस्टेंट का 4, 2 है। ठीक है, तो एक ये हमको करना है कि हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, 3/1, ठीक, तो 3/1 हमारा 3 होता है, सबको पता, और इसका होगा 4/2, 4/2 जो कि हमारा होगा 2। ठीक, और इसका होगा 2/1, ठीक, जो कि हमारा होगा 2। तो अब अगर आप नोटिस करिए, तो यहाँ देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो रेशियो आ रहा है, रेशियो ऑफ जो एक्स वन एंड एक्स टू, ये कंस्टेंट 2 के, एक्स वन एंड एक्स टू के रेशियो से इक्वल है। तो इसके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार यस करिए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा समझ में आया कि नहीं, थोड़ा मुझे पता चले। ठीक है, सो आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, सुनिए, आप सुनिए, मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा रुकिए, अब रुक जाइए, आप ध्यान से समझिए, रुक जाइए, अभी मत लिखिए कुछ। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो जो, रुको, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अभी मत लिखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप ये देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक्स वन का कोएफिशिएंट 2 है एंड एक्स टू का कोएफिशिएंट 1 है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वन का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स टू का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक, इतना क्लियर है। कंस्ट्रेंट्स में एक्स वन का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स टू का कोएफिशिएंट 2 है, 1 है, सॉरी, ठीक है, कंस्ट्रेंट 2 में एक्स वन का कोएफिशिएंट 4 है, एक्स टू का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक, तो अगर हम इन कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालें, दैट इज कंस्ट्रेंट्स 1 के लिए 3/1, कंस्ट्रेंट 2 के लिए 4/2 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए 2/1, तो अगर हमारा किसी भी कंस्ट्रेंट्स का और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये रेशियो अगर इक्वल आ जाता है,
तो यानी वहां मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये आपको समझ में? अब देखिए, यहाँ जो एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो रेशियो है वो 2/1 है, दैट इज 2, और कंस्टेंट 2 का जो रेशियो है दैट इज 4/2, दैट इज ऑल्सो 2। सो यानी इन दोनों का रेशियो सेम है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंस रेशियो सेम है तो हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ में आया? थोड़ा बताइएगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो x1/x2 का रेशियो है वो किसी भी कंस्टेंट्स के x1/x2 के रेशियो के इक्वल हो जा रहा है तो वहां पे हमेशा ही मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सो एज सच ये पूछ सकता है कि मल्टीपल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन, तो यही चीज यहाँ लिखा है, मल्टीपल सॉल्यूशन आर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम गिविंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब कि हमारे एक से ज्यादा पॉइंट पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने नोट यहाँ लिखा, दिस हैपेंस व्हेन एक्स कोएफिशिएंट ऑफ अ कंस्ट्रेंट डिवाइड बाय वाई कोएफिशिएंट ऑफ अ कंस्ट्रेंट इज इक्वल्स टू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय वाई कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, यहां तक तो क्लियर है ना? वन कंस्टेंट इज ऑल्सो एनफ, अगर उसका भी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रेशियो सेम है उसमें भी मल्टीपल सॉल्यूशन आएगा। तो नीतीश, मैंने बताया कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव का जो एक्स का कोएफिशिएंट है और वाई का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो किसी भी कंस्ट्रेंट के एक्स का कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जा रहा है तो वो हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी उस क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा इसका आप लोग आंसर निकालिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर निकालिए। आप लोग एक बार लिख दीजिए कि आप लोग ये सॉल्व कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले, एक बार लिख दीजिए सॉल्विंग। हेलो, एक बार आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो करिए, मैं अभी 9:45 हो रहा है।
इनफिजिबल नहीं होगा, इनफिजिबल नहीं होगा, ये अनबाउंडेड है। तो आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। 9:45 हो रहा है, मैं 46 हो रहा है, मैं 49 तक वेट करता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। आई विल एक्सप्लेन व्हेन इट इज इनविजिबल एंड warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea. अभी हम तो अनबाउंड में भी दिखाता हूँ। हाँ, अभी आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही ना? ओके कर दीजिए, आवाज आ रही ना? अभी ये आवाज आ रही, एक बार यस लिख दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आवाज आ रही कि नहीं। ओके ओके, आवाज आ रही ना? ठीक है। सो हमें क्या है, मैक्सिमाइज एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक, सब्जेक्ट टू एक्स वन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, एक्स टू मेरा लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और बोथ एक्स वन एंड एक्स टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारा एक्स वन इज ग्रेटर देन 5, एक्स वन की लाइन ये है, ग्रेटर देन 5 मतलब बाहर की तरफ, यानी इस एरिया से हमारा इंटरेस्ट है। एक्स टू लेस देन 10, एक्स टू इक्वल्स टू 10 की लाइन ये है, लेस देन मतलब नीचे की, ठीक है, तो ये नीचे की लाइन। तो हमारा कॉमन एरिया क्या हो गया, ये वाला हमारा कॉमन एरिया हो गया। ठीक है, एक मिनट में मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, एक मिनट। ठीक है, ये वाला एरिया मेरा कॉमन हो गया, एरिया मेरा कॉमन हो गया। बट अगर हम इसमें अगर देखें तो ये हमारा अनबाउंडेड है, क्योंकि हम अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएं तो ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी, तो ये एज होता जाएगा, यानी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, इसका कोई बाउंड नहीं है, तो यानी ये अनबाउंडेड सोल्यूशन है। ठीक है, नवीन आप पहले के लेक्चर आप अटेंड करिए, उसके बाद समझ में आएगा, या सेकंड लेक्चर है एक्चुअली, तो आप पहले के लेक्चर अटेंड करिए, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो अभी ये सेकंड लेक्चर है, आप
इसको सुन लीजिए, बट पहले के लेक्चर अटेंड करिए। तो ये आपको मैं, ठीक, ये देखिए एक्स वन ग्रेटर देन फाइव मतलब ये वाला एरिया मेरा, ठीक, एक्स टू लेस देन इक्वल टू टेन या मेरा ये वाला एरिया, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, ये, ठीक। अब अगर हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ा, ठीक, तो ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, तो यानी ये एरिया अनबाउंडेड है, तो यानी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, सो इसका आंसर होगा अनबाउंडेड, ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो एक्स वन ग्रेटर देन फाइव का एरिया होगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये एरिया जो हमारा है वो मैं फिर से एक बार आराम से बताता हूँ, ठीक है। तो एक्स वन जो हमारा ग्रेटर देन फाइव है, हमारा ये है, एक मिनट सेट करते हैं, ठीक है, एक्स वन ग्रेटर देन फाइव ये वाला एरिया मेरा इधर का, एक्स टू इज लेस देन टेन ये वाला एरिया है मेरा, तो हमें क्या कॉमन एरिया निकालना है ना, तो कॉमन एरिया क्या हो गया, ये कॉमन एरिया हो मेरा, बट अगर हम देखें तो ये कॉमन एरिया आगे तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जाएगी इन्फिनिटी तक, तो ये कॉमन एरिया ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, मतलब इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आ जाएगा, खत्म हो जाने दीजिए, बस एक दो पेज और बचे, खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा, इस लेक्चर के बाद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अनबाउंडेड समझ में आ गया ना, अनबाउंडेड आ गया ना समझ में, एक बार यस लिख दीजिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमाइज कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, अभी आगे करते हैं। तो किसी ने पूछा था कि इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी मैं बता दूँ, ठीक है। एक मिनट, ये सिम बता देता हूँ, ठीक। अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं, अब इनफिजिबल और अनबाउंडेड मतलब, बाउंडेड मतलब कि उसकी बाउंड्रीज डिफाइंड है, अनबाउंडेड मतलब उसकी बाउंड्रीज अनडिफाइंड है, सो ये डिफरेंस होता है। स्टार्ट प्रेजेंट टाइम, तो इनफिजिबल क्यों, इनफिजिबल क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ठीक, और एक्स वन लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ये एक्स वन, दोनों ही एक्स वन है, ठीक है, नया रखिएगा, तो ये थ्री है, ठीक, ये हमारा टू है, ठीक। तो अगर हम एक्स वन ग्रेटर देन थ्री बनाएंगे तो ये हमारा इधर साइड आएगा, ठीक, बट अगर हम एक्स वन लेस देन इक्वल टू टू बनाएंगे तो ये हमारा इधर साइड आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन एरिया हमारा जीरो हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इधर की तरफ एक्सपेंड करेगा,
इधर की तरफ जाएगा, सो इसमें हमारा कॉमन एरिया नहीं है, तो ऐसे को हम कहते हैं इनफिजिबल। ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं इनफिजिबल, यहाँ कोई भी कॉमन एरिया नहीं है उसको हम इनफिजिबल कहते हैं। ठीक, इनफिजिबल समझ में आ गया ना। तो इनफिजिबल मतलब अगर हमारा कॉमन एरिया जीरो है, हमारा कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो इनविजिबल और बाउंडेड, अनबाउंडेड में यही डिफरेंस है कि बाउंडेड में कॉमन एरिया होता है बट उसकी बाउंड्रीज नहीं होती है, बट इनविजिबल में हमारा कॉमन एरिया नहीं होता है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करिए सब। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कितना टाइम चाहिए आप लोग बताइए, मैं उतना टाइम दूँ सॉल्व करने को। ठीक है, 3 मिनट आप लोग को चाहिए। ठीक है, मैं देता हूँ। अभी 9:59 हो रहा है, मैं 9:43 पे बात करता हूँ, सॉरी 10:03 पे बात करता हूँ।
किसी का आंसर आएगा किसी का आंसर है बताइए लिखिए लिखिए किसी का आंसर है कि नहीं। हाँ ओके सो वी सॉल्व करते हैं इसे, ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारा कंस्ट्रेंट वन क्या है, 2x1 - 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक, तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम x1 को पहले 0 पुट किए, तो x2 मेरा -10 आ गया। ठीक, और फिर सिमिलरली x2 को हम 0 पुट किए, तो x1 मेरा 10 आ गया, यानी हमारे दो पॉइंट हो गए, 0, -10 और 10, 0। ये दोनों इस लाइन पर लाई करेंगे। ठीक, कंस्टेंट टू क्या है, 4x1 इज लेस देन 18, दैट इज x1 इज लेस देन 20। तो हम इनसे अब प्लॉट करते हैं लाइन पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसको रुके लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, आपके सामने प्लॉट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तुम्हारे क्या क्या पॉइंट हैं कंस्ट्रेंट वन के लिए था, 0, -10 कॉमा -10 और 10, 0। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है और मैं पेन टाइप नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा एडजस्ट करिए, आ जाएगा फिर अच्छे से लिख दूंगा, 10, 0। ठीक, तो इसे हम लाइन ड्राइंग बनाते हो। तो ये 0, -10 कुछ इधर होगा और 10 को इधर होगा, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। अब आपसे बताया था कि अगर नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो हमारा ओरिजिन के साइड का एरिया होता है, तो हमें इस एरिया से मतलब है। ठीक, हमें इस एरिया से मतलब है। दूसरा हमारा था x1 इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक, x1 इज लेस देन 20 मतलब ये हमारा 20 हो गया। ठीक, ये हमारा x1 हो गया और इधर ये हो गया। ठीक है, हमें इस एरिया से मतलब है। ठीक, अब अगर एक बात बताइए इधर कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएं तो क्या सॉल्यूशन अनबाउंडेड आ रहा है? अगर हम ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड इसका बताइए लिखिए अनवांटेड आएगा कि नहीं। ठीक, अनबाउंडेड आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो अनबाउंडेड आएगा, यस लिखिए। समझ में आया कि नहीं, अनबाउंडेड आएगा कि नहीं, एक बार यस लिखिए, आएगा ना? तो ये आपने गेट 2023 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ये गेट 2023 में आया था, तो ये मैंने नहीं सॉल्व किया, ये आप लोगों ने अभी सॉल्व किया, तो आप लोग ये बताइए कमेंट में आपको कैसा लग रहा है, ये गेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा गया था कि इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, इनफिजिबल होगा या मल्टीपल होगा, तो आपको में आया, आपको अभी अच्छा लगा गेट का सॉल्व करके? एक बार कमेंट में लिखिएगा मजा आया, अगर आपको अच्छा लगा सॉल्व करके तो। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार जिनको नहीं समझ में आया। तो हमारे पास इक्वेशंस थी कि हमारे x2 x1 - 2x2
इज लेस देन इक्वल टू 20 था, ठीक है। तो हमारा ये कंस्ट्रेंट्स है, कॉमन एरिया है इसलिए इनफिजिबल नहीं है, अनबाउंडेड है, ठीक है तेजेंद्र, तेजेंद्र जी, कॉमन एरिया है इसलिए इनफिजिबल नहीं हो सकता, अनबाउंडेड हो गया यानी, ठीक। तो हमारा एक एक रही है ना, वो सब अभी क्लास के एंड में मैं 5 मिनट डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी आप मत रखिए ये, बाद में हम कोर्स क्लास खत्म करके कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे एक कंस्टेंट थे 2x1 - 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20, हमने उनसे सॉल्व किया तो हमें 2 पॉइंट मिले, 0, -10 और 10, 0, जो हमने ये लाइन बनी हमारी, ठीक है। ये लाइन जो हमारी बनी इज 0, -10 और 10, 0, ये वाली लाइन इस लाइन को डिनोट करते हैं, और लेस देन है तो ओरिजिन की साइड बना, ठीक। फिर ये x1 < 20 आया था एक कंस्ट्रेंट, तो हमने इस साइड बनाया। इन दोनों को हमें बताना है, आप देखेंगे कि ये अनबाउंडेड है सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमन एरिया है बट हमारा सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लाइन एक्सटेंड हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर अनबाउंडेड है, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दूं, करोगे आप? थोड़ा सा गेट के ऊपर का क्वेश्चन दूं, करेंगे? यस करिए तो मैं दूं आपको। बताइए, एडवांस करना है आपको थोड़ा? ठीक है, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, अगर आपने ये कर लिया यानी आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ये करिए। इसको आपको मैं आपको देता हूँ, आप बस आप इसकी इक्वेशन बना दीजिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। तो आप इसकी बस इक्वेशन बना दीजिए आप। तो मैं अभी आपको इसके लिए 5 मिनट्स देता हूँ, अभी 10:10 हो रहा है, मैं 10:15 पे आपसे पूछता हूँ इसका आंसर, ओके। आप उसका टेंशन मत लो, बताएंगे, ठीक है।
करें, डिस्कस करना स्टार्ट। चलिए सब लोग इधर देख लीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं, आंसर आप लोग का गलत। सो मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा टफ है, मैं इसलिए आपसे पूछा, तो थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ आपसे क्वेश्चन, ठीक। तो क्या दिया गया है कि यू आर मेकिंग, मैं इसमें लिखता भी रहूँ तो आपको समझ में आएगा, चलिए छोड़िए। यू आर मेकिंग, यू मेक डेकोरेटिव स्टोन फॉर डेकोरेटिंग, ठीक। अब हम देखते हैं क्या करते हैं हम। ठीक, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। तो हमें क्या दिया है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यू आर मेकिंग डेकोरेटिव स्टोन्स फॉर डेकोरेटिव, ठीक। हम डेकोरेटिव स्टोन्स बना रहे हैं डेकोरेशंस के लिए, तो हमारे पास दो टाइप के स्टोन है। स्टोन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ क्रशिंग, 5 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक। तो हम इसे लिख लेते हैं। सो क्रशिंग, शिफ्टिंग और डाइंग, हम इसको CSD से डिनोट करते हैं, ठीक। और स्टोन ए है, स्टोन ए, ठीक, लिखना है स्टोन ए, ठीक। हमारे पास स्टोन बी, दो तरह के स्टोन है, ठीक है, ठीक। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ए को 2 आवर्स ऑफ क्रशिंग और 5 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग और 8 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, ए को 2 आवर्स ऑफ क्रशिंग, 5 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक। और स्टोन्स बी को 6 आवर्स ऑफ क्रशिंग, 3 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड 2 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक। इसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, मैं भूल गया। 6 आवर्स ऑफ क्रशिंग, 3 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड 2 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक। 6 आवर्स ऑफ क्रशिंग, 3 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग एंड 2 आवर्स ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया ना, ठीक। तो हमें क्या पता है, स्टोन ए सेल्स फॉर 400 पर टन एंड स्टोन्स बी सेल्स फॉर 500 पर टन, ठीक। तो हमें अपना पहले देखना है कि हमें रिवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। रिवेन्यू मतलब कि हम स्टोन ए से कितना कमा रहे हैं और स्टोन बी से कितना कमा रहे हैं। तो हम स्टोन ए से कितना कमाएंगे, 1 टन का कॉस्ट 400 है और लेटेस्ट से हम एक्स टन स्टोन ए बनाते हैं और वाई टन स्टोन बी बनाते हैं। तो हम 1 टन का कॉस्ट अगर 400 है तो एक्स टन का कॉस्ट क्या होगा, 400x, ठीक। और सिमिलरली अगर 1 टन बी का कॉस्ट 500 है तो वाई टन बी हंड्रेड कॉस्ट का 500y। तो हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों के प्रोडक्शन को, इन दोनों के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन हो गया, इसे हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर है, एक बार देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, यस क्लियर है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर है ना। देखो हमें पता है कि 1 टन जो ए है वो 400 रुपये में बिकता है, तो एक्स टन कितने बिकेगा, 400x में। सिमिलरली 1 टन बी है वो 500 रुपये में बिकता है, तो वाई टन कितने में बिकेगा, 500y में। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को जो टोटल हमारे टोटल हमको क्या होगा, ए का, ए से हमको जितना मिल रहा है प्लस बी से जितना मिल रहा है, तो हमसे ए से इतना मिल रहा है और बी से इतना मिल रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ साफ साफ लिखा है आप देखिए, हमें अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा क्या है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना, यहां तक समझ में आया।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आया ना? अभी थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस में थोड़ा मैं ओके क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देखिएगा। अभी आवाज़ कम हो गई, आप देखिए समझिए। ठीक है, 1 टन A है वो 400 रुपये में है, तो X टन 400X में होगा, और 1 टन Y है वो 500 रुपये में है, तो Y टन 500 रुपये में होगा, वो 500Y में होगा। टोटल क्या होगा, सम ए से जितना में मिल रहा है प्लस बी से जितना मिल रहा है, दैट इज दिस प्लस दिस, तो ये हमारा रेवेन्यू हुआ। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा मैक्सिमाइज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब हम आगे देखते हैं, हमें लिखा है कि 1 वीक में हमारे पास, हम सिर्फ 36 आवर्स ऑफ क्रशिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि 1 वीक में, 1 वीक में हमारे पास क्रशिंग का टाइम कितना है, 36। ठीक, सही है। और 1 वीक में हमारे पास शिफ्टिंग का टाइम है 30 और ड्राइंग का 40। ठीक, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, 30 1 वीक में और 40। ठीक, इतना समझ में आया ना? ठीक, तो इधर देखिए, 1 वीक में हम 36 आवर्स ऑफ क्रशिंग कर सकते हैं, 1 वीक में हम 30 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग कर सकते हैं, और 1 वीक में हम 40 आवर्स ऑफ ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम ए का एक्स मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक को बनाने में हमें 2 घंटे लगते हैं, एक को क्रश करने में 2 घंटे लगे ए में, तो एक्स को क्रश करने में कितना लगेगा, 2x लगेगा। ठीक, सिमिलरली एक को शिफ्ट करने में हमें 5 घंटे लग रहे हैं, तो x को शिफ्ट करने में 5x। ठीक, सिमिलरली ड्राई करने में 8x हो जाएगा। b में देखा है तो एक को क्रश करने में हमें 6 घंटे लग रहे हैं, तो y को क्रश करने में 6y लगेगा। ठीक, तो और एक को शिफ्ट करने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो y को 3y, और एक को ड्राई करने में 2 घंटे, तो y को 2y। ठीक, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस कर दीजिए। हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं, यस कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हम इधर जाते हैं। ठीक, हमें पता है कि 1 वीक में हमारे पास, हम सिर्फ 36 आवर क्रशिंग कर सकते हैं, मतलब 36 घंटे में हमें ए की भी क्रशिंग करनी है और बी की भी क्रशिंग करनी है, यानी 2x + 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है, क्योंकि हम 36 घंटे ही हमारे पास, हम उससे ज्यादा क्रश नहीं कर सकते। तो हम ए को जितनी देर क्रश करते हैं और बी को जितनी देर क्रश करते हैं, उन दोनों का समेशन 36 से कम होगा। बात सही। सिमिलरली हम 1 वीक में सिर्फ 30 घंटे शिफ्टिंग कर सकते हैं, और हमको शिफ्टिंग हमें किसी करनी है, ए या बी की, तो हम इन दोनों के समेशन को हमें 30 से कम रखना है, कि हमारे पास सिर्फ 30 ही घंटे हैं, उन्हीं में हमें ए की भी शिफ्टिंग करनी है और बी की भी करनी है। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ए की भी हमें करना है, बी की भी करना है, तो ये हमारे तीनों कंस्ट्रेंट बन गए, और ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अभी समझ में आया? इतना ये आपको कंस्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी समझ में आया कि नहीं, एक बार यस लिखिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट्स समझ में आया? तो इसके बाद आपको ग्राफ बनाना और सॉल्व करना। इसमें 400x ऐसे आया क्योंकि एक का कॉस्ट 400 है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। हमें क्या करना है, अपना रिवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, मतलब हम जितना कमा रहे हैं हमें उसे मैक्सिमाइज करना है। तो हमें पता है कि हम 1 टन A से 400 रुपये कमा रहे हैं और 1 टन B से 500 रुपये कमा रहे हैं। तो अगर हम X टन A प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी हम A से 400x कमा रहे हैं और B से 500y कमा रहे हैं, तो हमें
टोटल कितना कमा रहे हैं, ए से और बी से उन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 400x + 500y हम इतना कमा रहे हैं और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक, हमें पता है कि एक एक स्टोन, एक टन स्टोन को, यानी एक टन स्टोन को क्रश करने में हमें 2 घंटे लग रहे हैं, और स्टोन ए को और बी को 6 घंटे लग रहे हैं, और हमें पास टोटल 36 ही घंटे हैं। तो हमें पता है कि हम एक्स टन ए प्रोड्यूस करते हैं और वाई टन बी प्रोड्यूस करते हैं, और इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा ही <(36)) होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 36 ही घंटे हैं। सिमिलरली ड्राइंग और शिफ्टिंग के लिए भी, कि हम हमारे पास 30 ही घंटे हैं, तो हमारा 30 से लेस ही होना चाहिए वो दोनों, और 40 है तो 40 से वो दोनों लेस होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे कंस्ट्रेंट बन गए कि भाई हम 36 घंटे से ज़्यादा क्रश ही नहीं कर सकते, 30 घंटे से ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं कर सकते, और 40 घंटे से ज़्यादा ड्राइंग नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स बन गए, और ये हमारे 5a और 5b कैसे आया, किधर 5a 5b, भाई ये 5 नहीं है यार, ये स्टोन है, ये स्टोन है यार, ये स्टोन लिखा है, स्टोन एंड स्टोन भी, ठीक है, स्टोन एंड स्टोन भी लिखा है, कंफ्यूज मत होइए, स्टोन एंड स्टोन भी लिखा है, ठीक है, वो 5a 5b नहीं है, स्टोन स्टोन भी है, ठीक, समझ में आया, 5a 5b नहीं है, एक बार यस लिख दीजिए, समझ में आ गया ना। स्टोन स्टोन भी, तो यहां तक समझ में आया, क्लियर, एक बार यस करिए, सब लोग यस कर दीजिए, क्लियर हो गया तो फटाफट यस करिए, फिर क्लास भी एंड करनी है, अभी टाइम हो रहा है ना, आप लोग भी जाइए।